हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेवई उपमा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए है ना, ये सेवई का उपमा बनके तैयार, बिल्कुल टेस्टी और मज़ेदार और बिल्कुल खिली खिली सी। तो सेवई उपमा बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने एक प्याज और एक टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है, और 5 से 6 हरी मिर्च, और 50 ग्राम के आसपास हमारा ये मूंगफली है, और ये वर्मीसेली हमारा जो एक पैकेट आता है 10 का, उसका आधा है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम बादाम को रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे बादाम को, ज़्यादा लाल नहीं करना बादाम को, 1 से 2 मिनट तक केवल इसको हल्के फ्लेम पे पकाना है। ये हमारा मूंगफली जो है भुन चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच के आसपास इस्तेमाल किया है, और मूंगफली रोस्ट करने में 1/4 चम्मच का इस्तेमाल किया था। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और बारीक कटी हुई मिर्ची। इन सबको हम हल्का भूनेंगे, इसे भी ज़्यादा पकाना नहीं है। तो हमारा ये प्याज और हरी मिर्च अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जो हमने बारीक चॉप किया था। इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को सेवई उपमा भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और हमने यहाँ पे नमक ऐड किया, नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे, और नमकीन सेवई भी बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ पे 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और उसी मात्रा में लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा पसंद हो तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। और इसी समय हमने मैगी मसाला का प्रयोग किया है। तो मैगी मसाला हमने पूरी 5 की जो पैकेट आती है वो सारी इसमें हमने डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। पानी हमें यहाँ ज़्यादा ऐड नहीं करना है, केवल मसाले को भूनने के लिए हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। आप इसमें चाहे तो और भी मसाले, धनिया और जीरा का पाउडर या सब्जी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है, तो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे अब हम इसमें सेवई ऐड करेंगे। ये सेवई फ्रेंड्स आप चाहे तो भून सकते हैं, हमारा यहाँ पहले से हमारे यहाँ भुना हुआ था। अब हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे जो रोस्ट करके रखा था हमने। सेवई बाज़ार में भुनी हुई भी मिलती है फ्रेंड्स, तो आप चाहें तो भुनी हुई सेवई ले सकते हैं, या फिर बिना भुनी हुई को आप अपने घर पे भुने। तो ये वर्मीसेली नमकीन हमारा फाइनली तैयार है फ्रेंड्स। इसमें पानी उसी हिसाब से डालेंगे कि जितने में हमारा जो वर्मीसेली है एब्जॉर्ब करके बिल्कुल इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाए। तो हमारा फाइनली ये बन चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए है ना, बिल्कुल खिली खिली और बिल्कुल मज़ेदार।
आप इसमें चाहें तो इस रेसिपी में शिमला मिर्च या और कोई भी सब्जी का इस्तेमाल, गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप मैगी बनाने में करते हैं। इसे आप सेवई की मैगी भी बोल सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो इस रेसिपी को आप गर्मा गर्म सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए है ना कितना मज़ेदार और बिल्कुल अलग अलग सी है ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।